विभाग की टीम पर हमला किया है। हमले में खनिज विभाग की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। जब्त ट्रैक्टर को खनिज विभाग की टीम से छीनकर ले गए। खनिज विभाग की टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। बताते चलें, गुना से ये बड़ी खबर। रेत माफिया ने खनिज विभाग की टीम पर हमला किया। हमले में खनिज विभाग की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। जब्त ट्रैक्टर को खनिज विभाग की टीम ने छीन कर ले गए। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता मोहन बघेल जुट चुके हैं। मोहन, क्या कुछ जानकारी? रेत माफियाओं के खिलाफ कैसी कार्रवाई? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये कल का मामला है। एक्चुअल में जो है माइनिंग विभाग के जो अधिकारी हैं उनको सूचना मिली थी कि चाचोड़ा के पार्वती में कुछ रेत माफिया ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से अवैध उत्खनन कर रहे हैं, और इसी को लेकर माइनिंग अधिकारी सहित टीम पहुंची हुई थी। यहाँ पर जो रेत माफिया है वो ट्रैक्टर को वहां से ले जाकर खेत में ले गए और बोलने लगे कि ये खेत में अकाई कर रहा है, जबकि जो ट्रैक्टर है वो कृषि उपयोग का कहीं से भी नहीं लगता है कि ये ट्रैक्टर कृषि उपयोग के लिए। लेकिन वहां पर जो माफिया है वो इतने दमंग है कि वो वहां पर मारपीट करके उनके माइनिंग अधिकारियों के और ट्रैक्टर को छुड़ाकर लूट कर ले गए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जो रेत माफिया उनको प्राप्त है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो बचने का प्रयास करते हैं। इस मामले पर चाचोड़ा जो थाना प्रभारी है उनसे बात की गई है, वो भी इस मामले से बचते हुए नजर आए। हालांकि जो माइनिंग अधिकारी है उन्होंने एक शिकायती आवेदन दिया है पुलिस में उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो रेत माफिया है वो आज भी सक्रिय है और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संरक्षण इसके चलते अवैध उत्खनन कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।